तो कौन ज्यादा ताकतवर है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कैंग द कॉन्करर या फिर हम सबका चाहिए कैरेक्टर डोरेमोन? तो अगर इन दोनों के ओरिजिन को देखें तो ये दोनों ही फ्यूचर से आए हैं, जहां पे कैंग द कॉन्करर आया है 31st सेंचुरी से और डोरेमोन आया है 22वीं सदी से। जहां पे इन दोनों के पावर्स का कंपैरिजन करके हमें ये समझ में आता है कि डोरेमोन कैंग से ज्यादा ताकतवर होना चाहिए क्योंकि वो एक रोबोट है, बट यहां पे हमें दिखता है कि डोरेमोन जियान जैसे बच्चे के हाथों में मार खा रहा है। इसी वजह से हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि डोरेमोन का पोटेंशियल आखिर कितना है, बट ये तो श्योर है कि डोरेमोन के पास ऐसे कुछ गैजेट्स हैं जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स तक धराशायी कर सकते हैं, जैसे उसके पास ये टेलीफोन बूथ है जिसके द्वारा वो रियलिटी तक कॉल कर सकता है। और इसके अलावा भी डोरेमोन के पास और भी काफी सारे गैजेट्स हैं जिनको अभी तक सीरीज में दिखाया भी नहीं गया है, तो हम समझ सकते हैं कि डोरेमोन की ताकत आखिर कितनी ज्यादा है। बट जितने भी गैजेट्स देते हैं डोरेमोन की ताकत यूनिवर्सल लेवल से ज्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि उसके गैजेट्स एक ही यूनिवर्स के अंदर अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं। बट दूसरी तरफ है हमारा कैंग जो एक मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट है, और कैंग की कैपेबिलिटी सिर्फ एक यूनिवर्स में सीमित नहीं है, वो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है और उस यूनिवर्स के गैजेट्स को यूज कर सकता है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डोरेमोन और कैंग के बीच में अगर एक फाइट हो तो इस फाइट में डोरेमोन भले ही कैंग को एक कड़ी टक्कर देने वाला है, बट एंड में जाके कैंग जीत जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कैंग और डोरेमोन के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर 8।